तो दोस्तों, आज भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा और जबरदस्त काम किया है और दुनिया भर में यह बात साबित कर दी है कि यदि भारत के वैज्ञानिक चाहें तो भारत भी वर्ल्ड क्लास के हथियार बना सकता है। और भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से खुश होकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने खुद प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को अवार्ड भी दिया है। और हम यहाँ पर भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी और भारत की सबसे लोकप्रिय कंपनी टाटा की ही बात कर रहे हैं। दरअसल आप सभी को मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से भारतीय सेनाओं के लिए एक स्वदेशी आत्मघाती हमलावर ड्रोन बनाया गया है जिसका नाम है ALS-50। और इसकी जो फोटो है वो आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब आप सभी को बता दूं, यह जो ड्रोन है वो भारतीय सेनाओं को इतना ज्यादा पसंद आया है कि इस ड्रोन की क्षमताओं से प्रसन्न होकर हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को से सम्मानित किया है। अब दोस्तों चलिए हम ड्रोन की कुछ क्षमताओं की बात करते हैं। तो यह जो ड्रोन है इसकी रेंज है 50 किलोमीटर की और यह ड्रोन कई सारे एडवांस फीचर से लैस होकर आता है। और इसका प्राथमिक तौर पर जो उपयोग है वो दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टमों को तबाह करने के लिए ही किया जाएगा ताकि दुश्मन देश की किसी भी गुस्ताखी का भारतीय सेना आसानी से जवाब दे पाए। और इसके कुछ अन्य फीचरों की बात करें तो इसमें उड़ान के दौरान कई प्रकार के मोड आते हैं, जैसे दुश्मन देश के टारगेट को खुद ही ढूंढकर तबाह करने की क्षमता या फिर किसी भी सोल्जर के माध्यम से इस ड्रोन को ऑपरेट भी किया जा सकता है। और भारत के जो सोल्जर हैं वो आसानी से इस ड्रोन के माध्यम से दुश्मन देश के किसी भी क्षेत्र के ऊपर नजर भी रख सकते हैं। और यदि भारतीय सेना मिशन के दौरान इस ड्रोन के टारगेट को बदलना चाहती है, यानी दूसरे टारगेट के ऊपर इसी ड्रोन से हमला करना है, तो आसानी से यह ड्रोन अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इसके अलावा यदि दुश्मन के ऊपर हमला नहीं करना है तो यह ड्रोन वापस से भारतीय सेना के बेस पर भी लौट आएगा। और इसी सब क्षमताओं के चलते इस ड्रोन को भारत के अन्य ड्रोनों की तुलना में भारतीय सेना ने काफी ज्यादा पसंद किया है। और प्राइस में यह विदेशी ड्रोनों की तुलना में काफी ज्यादा सस्ता तो है ही, इसलिए भारतीय सेना बहुत सारी संख्या में इसे अब खरीदेगी। फिलहाल में भारत की कंपनी टाटा की तरफ से बनाए गए इस हथियार के ऊपर आप सभी की क्या राय है और आप सभी इस हथियार को कितना सपोर्ट करते हो कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।